रंभ नाम के असुर का पुत्र महिषासुर, जिसकी माँ एक भैंस थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा महिषासुर। एक असुर और भैंस का पुत्र होने के कारण महिषासुर मनुष्य और भैंस दोनों का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता और दानव उसे पराजित नहीं कर पाए। इसके बाद महिषासुर सीधा स्वर्ग पहुँचता है और देवताओं को पराजित करके उन्हें स्वर्ग से निकाल देता है। इस पर सभी देवता त्रिदेव से सहायता मांगने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से तीनों त्रिदेव भी महिषासुर को पराजित करने में असमर्थ होते हैं। अंत में त्रिदेव के शरीर से एक शक्तिपुंज प्रकट होता है और यही शक्तिपुंज माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेता है। अब सभी देवता और त्रिदेव मिलकर माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, जिसमें माँ दुर्गा को भगवान शिव अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और वहीं इंद्र ने अपना वज्र और एरावत हाथी पर लगा एक घंटा माँ दुर्गा को दिया। इसके अलावा सूर्य ने अपना तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह को सवारी के लिए माँ दुर्गा को अर्पित कर दिया। अंत में विश्वकर्मा ने भी कई प्रकार के अवैध कवच और अस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित किए। त्रिदेव और देवताओं से मिली शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया।